नमस्कार, मैं रिम्पा नाग आप सभी का स्वागत करती हूँ मशाल न्यूज वीकेंड खबरों की सुर्खियों में। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉप 5 इंटरनेशनल खबरों से। चीन के कर्ज जाल में फंसी श्रीलंका, पेट्रोल डीजल और केरोसिन खरीदने को भी पैसे नहीं। दुनिया में पहली बार जर्मनी के अस्पताल में ब्रेन ट्रांसप्लांट के जरिए लकवा पीड़ित युवक ने संवाद किया। भारतवंशी वैज्ञानिक ने 5 साल पहले ही विकसित किया था। जंग के बीच यूक्रेन नहीं रूस के सुपरमार्केट में मची लूट। चीनी खरीदने के लिए लग रहे लोग, वीडियो जमकर हुआ वायरल। विपक्षी पार्टी PMLN ने नवाब शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए बनाया अपना उम्मीदवार। यूक्रेन पर रूस के हमले 28 दिन बाद भी जारी। युद्ध खींचने से पुतिन की बकलाहट बढ़ी, पश्चिम को हमले का डर। तो आइए अब नजर डालते हैं टॉप 5 नेशनल न्यूज पर। अब CSK चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभालेंगे टीम इंडिया के धाकड़ खिलाड़ी रविंद्र जडेजा। फीफा वर्ल्ड कप के साथ जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी बायजूस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोना से हुई मौत में मुआवजा दावों की होगी जांच, गलत दावा करने वाले होंगे दंडित। पेट्रोल डीजल के बाद CNG की कीमत में प्रति किलो 50 पैसे का हुआ इजाफा। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी। 10वीं बोर्ड खत्म, MPhil भी होगा बंद। आइए नजर डालते हैं बिहार झारखंड की खबरों पर। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बीमार होने के कारण इस वर्ष नहीं दे पाएंगे 12वीं की एग्जाम। जैक कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू, 2 शिफ्ट में हो रहे हैं एग्जाम। बिहार दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पटना आए 156 विद्यार्थियों को फूड पॉइजनिंग के शिकार, PMCH व गांधी मैदान में चल रहा है इलाज। 23 मार्च को IIT धनबाद में ऑफलाइन परीक्षा के खिलाफ छात्रों ने किया प्रदर्शन, लगे आजादी के नारे। तो आइए अब नजर डालते हैं टॉप 5 लोकल न्यूज पर। सरायकेला में कोविड मानकों को ध्यान में रखते हुए चैत पर्व 2022 का होगा आयोजन। जमशेदपुर के कपाली मेडिकल के पास बाइक सवार ने 2 को मारी गोली। पूर्व सिंहभूम जिले में प्रातः 8 बजे से संध्या 8 बजे तक संचालित होगा जल कंट्रोल रूम। 23 मार्च को जमशेदपुर में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानी को याद कर शहरवासियों ने कई कार्यक्रमों को आयोजित कर दी श्रद्धांजलि। आदित्यपुर 2 स्थित कस्तूरबा विद्यालय में 6ठी कक्षा की 11 छात्रों में मिले कुष्ठ के लक्षण, इलाज शुरू। तो यह थी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर को भी फॉलो करें और साथ ही साथ हमारे मशाल न्यूज़ ऐप को डाउनलोड करें। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, धन्यवाद।